So friends, today we are going to see the new phylum of animal classification, and the phylum name is Echinodermata. Echinoderms or Echinodermata, the word or the name itself gives the meaning. It is a ग्रीक वर्ड इकैनोडर्मेटा, ये ग्रीक वर्ड है और इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकाइनो मीन्स स्पाइनी, जो नुकीला या काटे समान जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको स्पाइनी स्ट्रक्चर बोला जाता है और वही इकाइनो है, और डर्म या डर्मा मीन्स स्किन। सो ये ऑर्गेनिज्म जिसका स्किन स्पाइनी है या काटे समान दिखता है उसको Echinodermata बोला जाता है। सो द मीनिंग ऑफ द Echinodermata इज स्पाइनी स्किन एनिमल, और द ऑर्गेनिज्म विच हैज अ स्पाइनी स्किन दैट इज कॉल्ड Echinodermata। द एग्जाम्पल फॉर दिस Echinoderms आर स्टारफिश, सी अर्चिन्स, सी कुकुम्बर्स एंड सैंड डॉलर्स। This is how the sea urchin looks like. This is sea cucumber. The scientific name of this starfish is Asteroidea. The scientific name of starfish is Asteroidea. Calcareous spines are present on the body of these animals, hence they are called as Echinoderms. अभी यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर आपको स्पाइन टाइप दिख रहा है, कांटे के समान उभरी हुई चीजें यहाँ पे हमको दिख रही है। तो ये कैसे बनी होती है? कैलकेरियस स्पाइन या कैलकेरियस प्लेट्स मीन्स ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई रहती है, एंड दे आर रिजिड, दे आर वेरी रफ एंड टफ। अगर हम उसको हाथ लगा के देखें तो वो एक ऐसे कड़क समान या हार्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसका देखने मिलता है। सो और ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को क्या बोला जाता है? Echinoderms। सैंड डॉलर्स, इट इज वन ऑफ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ Echinodermata। नियर अबाउट 7,000 प्लस स्पीसीज आर फाउंड इन Echinodermata, बट दीज आर द कॉमन, मोस्टली कॉमन एग्जाम्पल्स फाउंड इन Echinoderms। दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन। ये फ्री लिविंग एनिमल है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में के बॉडी में या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को चिपक के नहीं रहते हैं, बट दे आर फाउंड फ्रीली एंड दे आर ओनली फाउंड इन ओशन। दे आर मरीन एनिमल है, क्योंकि वो खारे पानी में या समुंदर में ही इसको देखा जाता है। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट लेके नहीं पलते हैं। देयर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट। अभी इसका जो बॉडी बना है ये तीन लेयर से बना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मीन्स थ्री लेयर्स एंड ब्लास्टिक मीन्स लेयर्स। सो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ दिस एनिमल। और यूसिलोमेट, अगर आप यहाँ पे बीच में देख रहे हैं तो आपको कैविटी दिख रही है, जो वाइट कलर का जो दिख रहा है, ऐसे हॉलो टाइप का हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो यूसिलोमेट है, जिसको ट्रू कैविटी भी बोला जाता है। एंड इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट स्टेज, हाउएवर दे शो बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज। अगर हम इसको लार्वल स्टेज यानी बिगिनिंग स्टेज में अगर हम देखते हैं तो ये बायलैटरल सिमेट्री दिखती है, पर अगर जब ये एडल्ट होती है या फुली मैच्योर्ड हो जाती है तो दैट टाइम इट लुक्स लाइक रेडियली सिमेट्रिकल। इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल इन द एडल्ट स्टेज, बट they are bilateral symmetry in the larval stage. Okay, now here you can see sea anemone. ये sea anemone का यहाँ पे पिक्चर है, ये bilateral, ये radial symmetry का यहाँ पे example मैं बता रही हूँ कि अगर इसको एक plane से अगर बीच में से काटते हैं, so it can be divided into
टू इक्वल हाफ। तो ये रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स जो रेडियस होता है वो रेडियस से हम उसको अलग अलग इसमें काट सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सी एनिमल, बट ये रेडियल सिमेट्री कैसा होता है, फॉर दैट पर्पज आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। ओके, एंड इन पेंटामेरस, पेंटामेरस मीन्स पाँच, पेंटा मीन्स फाइव, फाइव इसको आर्म्स होते हैं और ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री इन स्टारफिश। स्टारफिश कैसी है, पेंटामेरस पाँच, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे पाँच आर्म्स है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। सो यहाँ से ये बीच यहाँ पे डिस्क होता है इसके लोअर साइड से, यहाँ से इसको अगर हम कैसे भी इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो इट इज़ अ पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइन और ऑसिकल्स प्लेट। इसको ऑसिकल प्लेट्स या कैलकेरियस स्पाइन बोला जाता है, जो कि हमने पहले ही देखा है कैलकेरियस में कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। तो इसका जो स्केलेटन है, अगर ये आप अंदर से अगर इसको पूरा उसका स्ट्रक्चर देखोगे, सो इट लुक्स लाइक दिस, एंड इन द सेंटर यू कैन सी द डिस्क। ये डिस्क जो आपको दिख रहा है, तो दिस इज़ द डिस्क विच वी कैन सी फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टारफिश। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। ट्यूब फीट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। अभी यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये आर्म है, ये ऐसे पांच आर्म्स हैं, और ये आर्म को जब अपन अंदर से देखते हैं तो आपको ये वाइट कलर का ऐसा एक ट्यूब दिख रहा है, और ये ट्यूब में ऐसे छोटे छोटे ये फीट लगे हुए हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ट्यूब फीट। रीजनरेट दे grow, these animals have the ability of regeneration. अगर एनिमल को एक कॉर्नर से या एक जगह से अगर काटा, तो वो वहाँ से नए सिरे से वो ग्रो होता है। अगर सेकेंड पार्ट को जो काटा है तो वहाँ से आगे का पार्ट ग्रो होगा। मीन्स दिस एनिमल हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। स्टारफिश, सी अर्चिन्स are the most common examples of Echinodermata. Now you can see here how they are moving. They इनका जो ट्यूब फीट होता है, वो ट्यूब फीट जब पानी उसमें अंदर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो पुल करता है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पुल करता है, वैसे उसका बॉडी क्या होता है, आगे की तरफ मूव होती है। These animal are mostly unisexual. Unisexual means एक ही organism में, एक organism में एक type का reproductive system दिखने मिलता है। तो इसमें the organism in which male and female reproductive system are present in different individual are called unisexual organism. तो एक organism में एक ही reproductive system रहेगा, एक तो वो male रहेगा या female रहेगा। These are the few examples of Echinodermata, which has a spiny skin. So let's have a recap. Ek revision hoga abhi. They are spiny skin organism. Unke skin pe spines hote hai, kaate saman structure dikhta hai. They are free living animal found only in marine water. ये free living है, ये कोई भी organism के body के अंदर नहीं रहता है, या कोई भी body organism का support लेके वो नहीं रहते हैं, but they are only found in marine water, वो sea water या salty water में ही देखे जाते हैं। They are triploblastic. वो कैसे है, तीन लेयर से बने हैं, उनकी जर्म लेयर थ्री लेयर्स होती है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, यूसिलोमेट है, मीन्स उसका जो बॉडी कैविटी है ये ट्रू बॉडी कैविटी है। दे हैव अ ट्यूब सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट, उनका जो ट्यूब फीट होते हैं उससे वो मूव करते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ देयर ट्यूब फीट। दे शो High power of regeneration. जहाँ से वो organism को cut किया, वहाँ से organism फिर से दोबारा grow होता है. Starfish and sea urchin, sand dollars, brittle,
star. These are the examples of Echinodermata. This is the brittle star, which is also one of the common example of Echinodermata. Sand dollars. Sea cucumber. So that's for today. Hope you have understood and enjoyed Echinodermata. Thank you and have a great day. Bye.